नमस्कार। तो मेरी और आपकी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के 2, जो कि बज भी चुके हैं। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे एक और विधानसभा की, क्योंकि ये कार्यक्रम है मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन, जहां बात करते हैं रोजाना एक एक विधानसभा की। उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा तक पहुंचना, हर विधानसभा का निरीक्षण करना, हर विधानसभा की तमाम जानकारियां आपको देना, ये इस कार्यक्रम की संरचना का मुख्य भाग है। तो ऐसे में आज एक और विधानसभा है जिसका नाम है हमीरपुर विधानसभा। हमीरपुर सदर विधानसभा अपने आप में एक अनोखी विधानसभा है, क्योंकि यहां पर 2012 से 2017 के बीच सरकार रही, तब भी उपचुनाव हुए। 2017 से लेकर 2022 की जब हम दहलीज में हैं, तब भी यहां उपचुनाव हुए हैं। 2012 में साध्वी निरंजन ज्योति भाजपा की कैंडिडेट थी, जीती थी, लेकिन जिसके बाद वो सांसद बन गई, ऐसे में सीट खाली हुई और 2014 में एक बार फिर उपचुनाव हुए। 2017 में एक बार फिर ये सीट भाजपा के खाते में आई, लेकिन 2019 में जो इससे पहले प्रत्याशी थे उनको आजीवन कारावास की सजा पड़ गई। नाम था अशोक कुमार चंदेल साहब, 5 हत्याओं के मुकदमे में उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हुए 2019 में और 19 के उपचुनाव में फिर एक बार फिर जीत हुई बीजेपी की। तो ऐसे में उपचुनाव के बाद भी अगर जनता ने समर्थन दिया है, अगर जनता ने जितवाया है, तो क्या कुछ कहती है आज की तारीख में यहाँ की जनता? क्या 2017 का हमीरपुर 2022 के हमीरपुर से कुछ अलग दिखता है या नहीं? तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें क्या कहती हैं, क्या बताती हैं। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको हमीरपुर की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि विकास की जो बयार बहने की बात होती है वो दरअसल कितनी सच और कितनी गड़बड़ है। तो विधायक जी हैं युवराज सिंह, नाम है युवराज। तो युवराज सिंह के कामों पर आज चर्चा करेंगे। इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, हमीरपुर सदर विधानसभा की बातचीत कर रहे हैं युवराज सिंह, यहां से विधायक हैं, 2019 में ही चुने गए थे, उपचुनाव जब हुए हैं तो 2022 में एक बार फिर क्या युवराज सिंह विजयी हो सकते हैं, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब्दुल सिद्दीकी हमारे संवाददाता होंगे जो जमीनी हकीकत बताएंगे, और इसके साथ ही आम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो अब्दुल सिद्दीकी जी आपके पास जाना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप ऊपरी बताइए कि आखिर आपकी विधानसभा में हमीरपुर सदर में चल कह रहा है, माहौल क्या कह रहा है? मैं आपको बता दूं, हमीरपुर विधानसभा बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां पर ये राजस्व हमीरपुर विधानसभा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है। फिर भी इसके बाद भी हमीरपुर विधानसभा यहां के जो विकास है उससे महरूम रहता है, कहीं ना कहीं यहां पर विकास को एक केवल कागज में ही सिमट कर रह गया है। विकास के नाम पर यहां पर सिर्फ केवल कागजों में ही सिमटा हुआ है, विकास कहीं आपको देखने को नहीं मिल सकता है। विधानसभा हमीरपुर में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है। केवल यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमीरपुर का जो हॉस्पिटल है जिला अस्पताल, और एक रेफर सेंटर बनकर रह चुका है। और आपको बताते चलें कि जो हमीरपुर का जो नेशनल हाईवे है वो यहाँ का खूनी हाईवे बन चुका है। प्रतिदिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है जिससे कई जाने जाती है। और यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ के जो विकास है, जो यहाँ के जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था आए दिन बनी रहती है, जिससे किसान आत्महत्या करता है। जी ठीक है अब्दुल जी, आपके आसपास और कुछ लोग होंगे तो उनको भी जोड़ने की बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ और भी दर्शक हैं, नाम बताइएगा जी अपना। जी आप हमारे साथ जुड़े हुए, नाम बताइएगा अपना। हाँ, मेरा नाम पंडित ब्रजेश कुमार बादल, बुंदेलखंडी है। ठीक है ब्रजेश जी, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं स्वस्थ हूँ ईश्वर की कृपा से, आप सभी लोगों के स्नेह से। ठीक है, हम कुशल मंगल और जीवित हैं। ठीक है, अब आप जरा मुझको ये बताइए कि आप जमीन पर क्या देख रहे हैं, किसको इस बार सोच रहे हैं कि उसकी जीत होनी चाहिए और किसको सोच रहे हैं कि टिकट भी नहीं मिलना चाहिए? ऐसा है, हमीरपुर जिले की स्थिति बड़ी गंभीर है। विडंबना है कि 20 से 25 सालों में जो जो सरकारें यहाँ आई, जो जो विधायक और सांसद यहाँ बने, उन्होंने यहाँ की जमीनी जरूरतों की पूर्ति कभी नहीं की। आज स्थिति यह है कि
अस्पताल की बिल्डिंग सफेद हाथी की तरह खड़ी है, डॉक्टर के नाम पर एक भी कायदे का डॉक्टर नहीं है। आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए तो कॉलेज की बिल्डिंगें खड़ी हैं लेकिन फैकल्टी नहीं। रोड के नाम पर रोज आए दिन यहाँ हत्याएं होती हैं, उसको हत्या कहेंगे हम, जो दुर्घटनाएं नहीं है उसमें मुख्य रोल आपके जिला प्रशासन का, खनिज विभाग का और आरटीओ का है। ये लोग कभी भी ऐसी गाड़ियों को ना पकड़ते हैं ना जहमत उठाते हैं जो ओवरलोड वो दिन रात चल रही है। ये हत्याएं हो रही हैं हमीरपुर में और यहाँ की जनता सिर्फ प्रताड़ित हो रही है, सह रही है। ठीक है विजय जी, और बताइएगा कि कौन सा नेता इस बार लग रहा है आपको कि चुनावी माहौल में उसको सबसे टेम्पो, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ टेम्पो, जिसका सबसे ज्यादा हाई लग रहा है इस वक्त? ऐसा कोई नेता नहीं है इस समय जो आया है कि जिसका टेम्पो हाई हो। जनता इस समय एक ऐसे ईमानदार और सही छवि के प्रत्याशी को ढूंढ रही है जो आकर के हकीकत में हमीरपुर के विकास की बात करे और हमीरपुर में विकास का कार्य करे। तो ठीक है, उसके आसपास कौन सा नेता ठहरता है? दो बार तीन बार एक एक बार विधायक सांसद रह चुके हैं लेकिन इन्होंने सिर्फ लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है, कोई नेता है जो इसके आसपास भी ठहरता हो, जिसको आप सोच रहे हो कि उसकी जीत होनी चाहिए हमीरपुर सदर से, उसको विधायक बनना चाहिए? हमीरपुर सदर से कांग्रेस पार्टी से एक विधायक हुआ करते थे जगदीश नारायण शर्मा जी, कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे। आज हमीरपुर में जो अस्पताल हैं, जो कैनाले हैं, जो ट्यूबवेल हैं और जो भी व्यवस्थाएं हमीरपुर की हैं, चाहे वो बस स्टॉप से संबंधित हो या रोडों से संबंधित हो, उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए थे। उसके बाद से स्तर शून्य हो गया है हर चीज का। धरोहर मिली तो, लेकिन लोग उसे संभाल के नहीं रख पाए, पूरी तरीके से वो धरोहर विघटित होती चली गई। सुधार के नाम पर कोई पैसा नहीं लगाया गया, कोई काम नहीं किया गया। ठीक है अब्दुल साहब, के पास वापस चलेंगे। इस बार अगर कांग्रेस कोई अच्छा प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी और जुझारू प्रत्याशी जगदीश नारायण शर्मा जी की भांति अगर किसी प्रत्याशी को देती है तो शायद हमीरपुर का विकास संभव है। क्योंकि जब भी बसपा आई उसने लूटा, सपा ने तो बुंदेलखंड के परिवार में, सपा के परिवार ने बुंदेलखंड के एक एक जिले को बांट करके लूट की है और यही हाल भाजपा में भी चल रहा है। आप टोल टैक्स में एक दिन की अगर गाड़ियों की एंट्री और आउटगोइंग देख लें तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां आपको गोरखपुर की नजर आएंगी। आखिर ये गोरखपुर की गाड़ियां हमीरपुर जिले में आके कर क्या रही हैं? यहाँ पर उद्योग के नाम पर कोई चीज नहीं है। यहाँ पर जो खनिज का एक उद्योग है, ये सारी गाड़ियां, सारे व्यापारी, सारे लोग उस खनिज का पैसा लेने आते हैं। उत्तर प्रदेश में यही 7 जिले सबसे ज्यादा राजस्व बुंदेलखंड को देते हैं। बुंदेलखंड के 7 जिले उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं लेकिन विकास के नाम पर बुंदेलखंड को 3% या 4% बजट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात चल रही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कितना फर्क पड़ रहा है ये बताइए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा उसका फर्क तो तब पड़ेगा ना, अभी तो निर्माणाधीन है। तो उससे भी फर्क पड़ रहा है, उससे थोड़ा सा बीजेपी की तरफ सेंटीमेंट जागता है कि हाँ विकास करवा सकते हैं ये ऐसे कुछ? बीजेपी की तरफ सेंटीमेंट तब जागेगा जब बीजेपी ये जो 2 लेन हमारा सागर कानपुर हाईवे है इसको 6 लेन करने की बात जो हम सभी लोग पिछले कई सालों से मांग करते चले आ रहे हैं, इसमें डिवाइडर बनाने की बात करते चले आ रहे हैं, जब ये पास हो जाए और ये निर्माण शुरू हो जाए तब सेंटीमेंट लोगों का बीजेपी की तरफ जाग सकता है। ठीक है, चलिए अब्दुल जी के पास वापस चलेंगे, अब्दुल सिद्दीकी जी के पास। अब्दुल जी ये बताइए कि काफी लोगों की हम सुन रहे हैं कि टिकट कट सकता है, कट सकता है या क्या है, तो अभी ऐसे में सीधे विधायक जी की बात करते हैं। युवराज सिंह जो विधायक हैं 2019 में ही बने हैं ना उपचुनाव में? जी ठीक है, आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक भाजपा पार्टी ने बाबूराम निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अभी युवराज मंत्री जो हमारे सदर विधायक थे उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों के माने तो भाजपा से बाबूराम निषाद का टिकट उम्मीद होने की घोषणा मतलब की गई है, जो कि वर्तमान में राज्य सरकार के मंत्री भी हैं। मतलब ऑफिशियल रूप से घोषणा हुई है कि अभी सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं? जी
आवाज नहीं आ रही सर। अरे अब्दुल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ये ऑफिशियल है कि हाँ निषाद साहब को टिकट की बात चल रही है, या फिर आप सूत्रों से खबर निकाल रहे हैं? जी नहीं अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसको बताया जा रहा है। उसके मुताबिक हमीरपुर सदर से बाबूराम निषाद क्यों टिकट क्यों कट रहा है, विधायक जी का टिकट क्यों कट रहा है, क्या समझ रहे हैं? विधायक जी का टिकट क्यों काटा जा रहा है? जी विधायक जी का टिकट इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि विधायक जी कहीं ना कहीं काम कराने में असमर्थ रहे। उन्होंने हमीरपुर का विकास और हमीरपुर की जनता से, उन्होंने जनता का ऐसा आरोप है कि जनता के बीच में विधायक जी नदारद रहे। जब से विधायक जी बने, अब्दुल साहब जब से विधायक जी बने तब से तो कोरोना बन गया, तब से तो कोरोना है जब से विधायक जी आए हैं, तो कैसे काम को कैसे जांचा जाएगा फिर उनके? जी मैं आपको बता दूं, कोरोना के टाइम से पहले भी उन्होंने यहाँ पे जनता के बीच से नदारत रहे हैं और वो जनता के बीच में कभी भी उन्होंने आना अपना जहमत नहीं उठाई है। तो जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराज है। हमीरपुर की जनता कोरोना के समय में भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए परेशान थी, जहाँ पर यहाँ विधायक जी नदारत रहे हैं और उनको जनता उनको काफी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन वो मतलब नदारत रहे हैं। ठीक है, ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि कोरोना काल के समय ही विधायक जी आए, 2019 में बने थे, उसके बाद कोरोना ही आ गया 2020 में, ये कह रहा था। जी जिस समय विधायक जी वोट मांगने के लिए उपचुनाव में निकले हुए थे तो हमीरपुर, मौदाहा और भरुआ, कांसीराम कॉलोनी के नाम से जो कॉलोनियां बनी हुई थी, यहाँ पर जब विधायक जी गए तो यहाँ की जनता ने उनसे पीने के पानी की मांग की। विधायक बनने के बाद 1.5 साल बाद तक इन जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई। हम लोगों को जनता के साथ शासन प्रशासन से लड़ना पड़ा, तब जाकर के 1.5 साल बाद, 1 साल पूरा कोरोना में जनता पानी के लिए प्रताड़ित रही, जहां पर पुलिस वाले कह रहे थे कि घर से नहीं निकलना है, कोरोना ग्रस्त है, इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां कांसीराम कॉलोनी की जनता एक एक घूंट पानी के लिए त्रस्त हो रही थी। आज भी आप अगर हमीरपुर नगर की कांसीराम कॉलोनी में जाएंगे तो वहां पर जो नाले का निर्माण किया गया है उसका वाटर लेवल ही चेक नहीं किया गया, वो नाली से लगभग 1 फुट ऊपर बना हुआ, जरा से पानी में कांसीराम कॉलोनी पूरी तरीके से ग्रस्त हो जाती है पानी से, नालियों का पानी, गटर का पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। आज भी पूरी स्थितियां हैं, शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है, उस नाले का निर्माण कोई कराने को तैयार नहीं है। अच्छा ब्रजेश जी, लेकिन नगर की तरफ से और विधायक निधि की तरफ से उस जगह पे निर्माण कराए जा रहे हैं जहां पर उन्हें कमीशन मिलने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है, जहां पर जनता की आवश्यकताएं हैं, जहां पर जनता को जरूरत है कि यहां पर विकास किया जाए। हम रहने के लिए परेशान हैं, बदबू में, गंदगी में, बीमारियों में, वहां पर निर्माण के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है अब्दुल जी, ये स्थिति है तो जनता क्यों ऐसे विधायक को चुनेगी? ठीक है अब्दुल जी, ये बताइएगा, ठीक है अब्दुल जी, जरा ये बताइएगा कि जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां की जनता है, जो हमीरपुर सदर की, वो विधायक जी से नाराज है या फिर बीजेपी से नाराज है? ये दोनों चीजों में फर्क है। मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर की जनता विधायक जी से नाराज है और यहाँ का जो चुनाव होना है वो पार्टी बेस पे नहीं होना, वो यहाँ का जो चुनाव है वो कैंडिडेट बेस पे है। जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आज तक यहाँ की जनता वंचित रही है। इस विधानसभा के बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी पेयजल की समस्या है, जहाँ पर सिंचाई के संसाधन नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसान कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जाति समीकरण भी एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है। ठीक है अब्दुल जी, जरा कोशिश करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को आप जरा परखिए, जो आपके आसपास जो लोग निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा माहौल क्या है, माहौल को समझिएगा जरा। जब बातचीत होगी तब माहौल समझ में आएगा, तब तक हम अब्दुल जी के पास चलते हैं, आप जरा माहौल को समझिए तब तक हम चलते हैं। ठीक है तो ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा था आपसे, जी देखिए मैं बता दें हमारे जी अब्दुल जी, आपके आसपास जो लोग जा रहे हैं उनसे जरा ये पूछने की कोशिश कीजिएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर उनकी क्या राय है हमीरपुर लेवल पर? जी मैं देखिए बात करता हूँ, अभी एक हमारे साथ एक अंकल आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
अब ये बताइए, इस बार 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, हमीरपुर के क्या मुद्दे हैं, किसको चुनेंगे आप? नहीं तो कुछ आप मुद्दे क्या है, क्या परेशानी है, कुछ बता सकते हैं? अब्दुल जी चचा से पूछिए, वोट वोट देते हैं कि नहीं? मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है कैमरे के सामने बात करने से बचते हैं। चलिए और भी लोग होंगे, उनसे आप देखिएगा, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग बात करते हैं तो माहौल थोड़ा सा इससे ना समझ में आता है कि आखिर जमीन पर जनता क्या बोल रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, उनसे उनके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आप पर आता हूँ ब्रजेश जी। ब्रजेश जी ये बताइए कि अगर जो सिटिंग है अभी, युवराज जी सूत्रों के हवाले से तो बता दिया हमारे रिपोर्टर साहब ने कि टिकट कट गया है, लेकिन अगर टिकट नहीं कटता, युवराज सिंह को एक बार फिर टिकट मिलता है, फिर विधायक ही लड़ते हैं, तो बीजेपी का क्या लगता है, हमीरपुर से चांस नहीं है? नहीं, बिल्कुल चांस नहीं। ठीक है, असल में क्या है कि जितनी बार भी सरकारें बदली, लगातार 5-15 वर्षों से 5-5 साल के लिए अलग अलग सरकारें बदल के आई, हमने विधायक तो कई चुने, लेकिन उन विधायकों ने सभी भी, विजय जी थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा, अब्दुल जी के साथ कोई, ठीक है अब्दुल जी बात करिए। जी हमारे साथ एक सहयोगी जुड़ चुके हैं, ये बताएं जो ये मौजूदा जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आप क्या मुद्दे देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। जब बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि छात्र देखिए मर रहे हैं, और ये सरकार तो कुछ छात्रों के लिए किया नहीं, यहाँ तक कि छात्रों ने तो अपने सिर भी घुटवाए थे, और समय इतनी घटनाएं हुई कि छात्रों पर लाठियां चली। अभी देखिए अभी भर्ती थी टीचरों की, तो उसमें लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ अन्याय करोगे क्या? ये हालात, ये सरकार तो बेकार। क्या जनता परिवर्तन चाहती है? हाँ परिवर्तन चाहती है, अगली बार अखिलेश सरकार है। ठीक है अखिलेश सरकार, इनसे कहिए इनकी मूछें बहुत शानदार हैं, थोड़ा तारीफ करते चलिए। ठीक है, 2022 का चुनाव है, इसको देखना चाहते हैं। काफी विधायक आते देखे, जाते देखे, काफी सरकारें आती देखी, जाती देखी, हमीरपुर किस सरकार के अंदर में, या फिर कौन सा ऐसा विधायक था जिसके अंदर में सबसे ज्यादा बदला और संवरा, ये पूछिए इनसे। हमीरपुर में कई विधायक आए, कई सरकारें हैं, हमीरपुर में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं, कौन सी सरकार देखना चाहते हैं, कौन विधायक देखना चाहते हैं? जहाँ तक हमीरपुर का सवाल है, हमीरपुर में किसी भी विधायक ने कोई काम नहीं किया। हमने युवराज सिंह को ये सोचा था कि ये यहीं रहने वाले हैं, कतरी चौधरी के काम करेंगे, लेकिन ये बांदा में इनका निवास भी कभी आएंगे नहीं। हमको इससे लेना देना नहीं है कि कौन विधायक है, उसने क्या काम किया, हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जब जो है जो भी योजनाएं डाले थे, तो विधायक तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ ये जरूर है कि विधायक को जो है अपने जनपद के बारे में बताना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन जब अगर विधायक खूब मंडी पे कुछ नहीं करता है, युवराज ये सब कुछ कहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि युवराज को ही टिकट मिले, वो फिर जीत क्या, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं, युवराज से काम नहीं चलेगा, हम तो उत्तर प्रदेश में यूपी को देखना चाहते हैं। युवराज सिंह का तो टिकट कट रहा है, आया है तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी को ही देखना चाहते हैं, बाकी फर्क नहीं पड़ता। चलिए समय की पाबंदियां हैं और कार्यक्रम को यहीं पर हमको रुकना पड़ेगा। अब्दुल जी बस जाते जाते ये बता दीजिए कि अभी फिलहाल अगर रेटिंग की बात की जाए तो जनता क्या रेटिंग दे रही है सिटिंग एमएलए को, 10 में से कितने नंबर दे रही है? 10 में से 5 नंबर दे रही है। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ वोट देने का एक वो पैमाना है, हम जो है उत्तर प्रदेश का जो लीडर है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसको, मुख्यमंत्री स्पष्ट पूछे, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? कोई भी हो मुख्यमंत्री, आप किसको देखना चाहते हैं? योगी को तो हमने कहा ना, योगी। चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जी, हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारियों के लिए मुहैया कराने के लिए, और साथ ही साथ ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत जागरूक हैं ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो हमीरपुर सदर विधानसभा कैसी दिखती है, क्या कुछ है सदर विधानसभा में, इसको जानने समझने की कोशिश की। ये एक डिजिटल निरीक्षण है जिसके जरिए हम आप तक ये बात पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी विधानसभा का हाल क्या है, माहौल क्या है, और साथ ही साथ क्या कुछ कहती है आपकी विधानसभा, क्योंकि काफी विधानसभाएं अपने आप में बहुत कुछ समेटे बैठी होती है। तो जो सिम्टन है उसको दरअसल बाहर लाने की एक बाजे कोशिश रही। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो, शुक्रिया।